रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा के रायबरेली से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज। कांग्रेसी नेताओं ने प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन में चहलकदमी बढ़ी। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में की गई बैठक, महिला विंग के साथ की गई बैठक। कांग्रेस गारंटी कार्ड को घर घर पहुंचाने का दिया गया संकल्प। कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन में रंगाई पुताई का कार्य भी हुआ शुरू। कार्यालय को सजाने संवारने का किया जा रहा है काम। अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मैं शैलजा सिंह एडवोकेट, महिला जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी रायबरेली। ये बैठक किस लिए की जा रही है और क्या है बैठक का उद्देश्य? 2024 लोकसभा चुनाव के लेके हम लोगों ने महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष और जिला कमेटी के पदाधिकारियों को यहाँ बुलाया है, क्योंकि आदरणीय प्रियंका गांधी जी लोकसभा चुनाव रायबरेली से लड़ेंगी, उसकी रणनीति तैयार करनी है, कैसे हम उनकी न्याय योजना और उनकी 25 गारंटियों को घर घर तक पहुँचाने का कार्य आगे कैसे करेंगी, उन योजनाओं को और कैसे कैंपेनिंग हम लोग करेंगे, इस सबको लेकर हम लोगों ने यहाँ तैयारी के लिए बुलाया है। अगर प्रियंका गांधी जी आती है तो किस तरह का उत्साह है आप लोगों के अंदर? मेरे अंदर तो बहुत ही ज्यादा उत्साह है। कांग्रेस के एक एक पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, हर एक महिला के अंदर तो उत्साह है ही। रायबरेली की जनता के अंदर जो मैंने देखा उत्साह है, वो अलग सा ही उत्साह है। बहुत चुनाव आए गए, मगर जो उत्साह प्रियंका गांधी की जी के, जैसे अपने परिवार का घर का कोई व्यक्ति चुनाव जब लड़ता है, जैसे मैंने देखा प्रधानी चुनाव या विधायक की चुनाव, वो उत्साह मैं देख रही हूँ। जैसे कोई एकदम लोग चाहते हैं कि तुरंत आए, हम लोग उनके लिए तैयार बैठे हैं वोट करने के लिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।